वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो नए स्टूडेंट्स के लिए भी है ये, और ये पुराने स्टूडेंट के लिए है, और जो लोग नहीं कर रहे कोर्स ओ लेवल का, ये उनके लिए भी है। क्योंकि हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो घर बैठे आप कैसे ओ लेवल कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर बैठे अगर ओ लेवल करना चाहते हैं तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और इस जानकारी के बाद आप ओ लेवल घर बैठे कर सकते हैं। और वो जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ओ लेवल होता क्या है इसके बारे में आपको, तो यहाँ पर क्या करना है कि आप हमारी वेबसाइट खोलिएगा RITA.com। आप यहाँ पे RITA सर्च करेंगे आप अपने कंप्यूटर पर, तो इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा आपके मोबाइल पर। अब इसमें आपको ये देखना है ना कि ओ लेवल क्या है, तो उसको क्या करोगे, ओ लेवल को यहाँ पर आइए, ये ओ लेवल दिया हुआ है, यहाँ पे ओ लेवल पे क्लिक कर दीजिए, तो ओ लेवल आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ है ओ लेवल का। अब इसमें आपको क्या करना है, पेपर कैसे भरना है, वो सारा कुछ दिया हुआ है, वीडियो ही दिया हुआ सारा। तो यहाँ पे आप जा करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो जो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका बुक्स वगैरह जो है, तो आप यहाँ पे बुक दिया हुआ है, आप इस बुक को यहीं से बाई कर लो और आप अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हो जो, ठीक है ना। तो मानकर चलिए कि 4-5 हजार रुपए में आपका ओ लेवल पूरा हो जाएगा आसानी से। तो ये कम से कम पैसे में आप ओ लेवल कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो जो है, तो कितना आसान है ओ लेवल जो, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज भी आपको बताने वाला हूं, जैसे कि अब आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो यूजर अकाउंट कैसे बनाओगे, प्रोफाइल को लॉक कैसे करना है, पेपर को लॉक कैसे करना है, पेपर का जो फीस होता है कैसे जमा करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना है, मतलब जैसा भी आप जमा करना चाहो कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। पुराने स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपको जो रिजल्ट है सितंबर वाला वो कब आएगा, और मान लो डिले हो रहा है तो क्या फॉर्म को भर देना चाहिए, ये ड्वेक ने बोला है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, और ये आपको लास्ट तक मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कि अगर आपने अपना फॉर्म ओ लेवल का भर लिया है तो यूजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी ईमेल आईडी खोल लेनी, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी खोल रखा है, और इसमें हमारे स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ईमेल आएगा आपके पास यूजर अकाउंट बनाने के लिए। तो ये ईमेल आईडी हमारे पास ईमेल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें हमें न्यू यूजर अकाउंट कैसे बनाना है, तो यहाँ पर रोल नंबर आपको दिया हुआ है, ये इसी जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है इसी से बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है आप इसको ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में, ये वाली student.nilet.gov.in। तो ये वाला जो वेबसाइट आप खोल लेंगे, खोलने के बाद कुछ इस तरह से इसका आपको आउट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू यूजर देखो दिया हुआ है, इसे क्लिक करके और ये आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, ये ओपन हो गया। यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले अपना कोर्स का नाम, तो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो मैंने ये 14/11/793 14/11 इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दे दीजिए, भर दीजिए आप। यहाँ पे मैं भर देता हूँ 14, रजिस्ट्रेशन नंबर 14/11/793, ठीक है ना। ये भरना ही है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा यहाँ से, तो कॉपी पेस्ट करने की प्रयास ना करिए। अब इसके बाद में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, तो मैंने भर दिया AJAY अजय कुमार। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आपको भर देना, अजय कुमार वर्मा, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने ऑलरेडी इनका पहले से इसमें सेव कर रखा है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 2022 कैसे करना है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो 22 यहाँ पर हमने देखिए ईमेल 22 दिसंबर 2002 दिया हुआ, तो इसमें से बस थोड़ा एडिट कर लीजिए, आसानी से भर जाएगा। अब नीचे जो कैप्चा दिया हुआ 46 27 50 का,
छियालीस सत्ताईस पचास नेक्स्ट करिए, सब कुछ सही होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं सही होगा तो ये आपको कुछ का बताएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरियर कोर्स डिटेल स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फोर लेवल तो सही बना हुआ है, इसमें दो लेवल तो है नहीं, एक ही है, ये तो सही है, दो नंबर में तो इसके हो सकता है ये इसके डेटा बर्थ में है। तो डेटा बर्थ एक बार चेक कर लेता हमें, बाईस ट्वेंटी टू दिसंबर है, नहीं 22 नहीं है, इसमें 31 है, सॉरी यहाँ पर कलर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर देता हूँ, 31 है, 31 दिसंबर है, 31 है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसका ध्यान रखना है। 00341 तो कुछ भी मिस्टेक होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे ओके हुआ एक्सेप्ट कर लिया, इसमें पूछा है क्या ईमेल आईडी पासवर्ड आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहेंगे, तो आपको अगर चेंज करना तो आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसमें से आपको कह रहा है कि यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो ये ओटीपी आपके पास आ गया होगा, तो आप अपने मोबाइल नंबर पे चेक कर लीजिए, ओटीपी आएगा वही आपको भर देना है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो इसका हमारे पास ओटीपी है ईमेल एड्रेस, तो सबसे पहले ईमेल पे गया, तो मैं ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ अपना, तो हमारे पास ईमेल पर रजिस्ट्रेशन ये आ गया, तो यहाँ पर ये वाला ओटीपी है, तो यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस नंबर और ये वेरिफिकेशन कोड भी है 77 25 81, तो हमने 77 25 81 वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये वैलिडेट हो गया। अब कह रहा है कि आपको यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड डाल दीजिए, वो पासवर्ड अपना पसंद का कोई भी डाल देता हूँ, आप अपने पसंद का कोई पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं यहाँ पासवर्ड में डाला हूँ, कोई भी 8 अंकों का पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कुछ आप ऐसे डालना चाहे तो आप ऐसे आप डालिएगा पासवर्ड कि समझ लीजिएगा, जैसे पासवर्ड डालिएगा मान लीजिए ABC डालना है आपको, ABC डाल दीजिए, @ डाल दीजिए और कुछ और डाल दीजिए, आगे का नंबर 5 9 2 3 देख लीजिए कि 8 संख्या हो गया कि नहीं होगा, और इसमें पहला कैरेक्टर ये कोई कैरेक्टर कैप्चर होना चाहिए, मैंने मान लो इसमें सी कैरेक्टर कर रखा है, ये कैप्चर कर लीजिए, इसी में इसमें से एक अच्छा कैप्चर होना चाहिए, इस तरीके से पासवर्ड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाल रहा है तो फर्स्ट यहाँ पर अपना फर्स्ट स्कूल नेम डाल दो, स्कूल नेम डाल दिया हमने, IIT और फिनिश कर दिया, पासवर्ड भी हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पर लॉगिन करने में हमसे बोलेगा, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पर एक और ईमेल आएगा जो कि यहाँ पर अभी आया नहीं है, अब इस पर क्या करना है, वैलिडेट करना है अपना, तो जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए एक मैसेज आ गया और आप ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो चुके हैं, तो यहाँ पर लॉगिन करने में अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब वेबसाइट खुल जाएगी तो इसमें आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट सर्च करना अपना यूजर आईडी, तो यूजर आईडी हमारा यहाँ पर देखिए पासवर्ड भी मेल करता है, यूजर आईडी यहाँ पर दे दिया हमको, तो पासवर्ड भी भेज दिया इसने, और पासवर्ड हम यहाँ पर इनका यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे कैप्चर कोड डाल देंगे 5 2 2 4 3 4, और ये हम क्या करेंगे, तो ये हमारा
रन हो जाएगा और रन हो जाएगा, इन वाली डिवीजन में पास होता है कुछ तो कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। हाँ मिस्टेक हो गया है, पासवर्ड को कॉपी करने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसलिए मिस्टेक बता रहा है था 26012। ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, सबसे पहले काम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, यानी कि मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना आवश्यक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। थोड़ा यहाँ पे डाउन चलता है, स्लो चलता है, आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आ जाएगा जैसा कि ईमेल का आया था, तो वैसे ही आपको हमें कर देना है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना, इसको मैं अनम्यूट करता हूँ। अगर ये मैसेज आपने ना आए तो आप रिसेंड कर सकते हो। तो ये हमने अनम्यूट कर लिया है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है अपने प्रोफाइल पर। अभी तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल के अंदर अब आप अपना चाहें तो कुछ इन्फॉर्मेशन बदल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपना मिला लीजिए, फादर नेम मदर नेम जो भी आपका है सब सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना ये इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करूँगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर हमको करेक्ट करना जरूरी है। फिलहाल आप इसको सही सही भरें ये ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, इसलिए तो ये सब कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ आ चुका है, ये आपका डिटेल्स ऑलरेडी पूरा ओके है, कुछ नहीं करना इसमें है। तो आपको लॉक प्रोफाइल दिया हुआ है, लॉक करने पर क्लिक करेंगे, अब ये प्रोफाइल आपका लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसको आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये आपका लॉक ही हो जाएगा और ओके कंडीशन में अब बदलाव करना संभव नहीं है, बदलाव करने का ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो चुका है। तो इसके बाद में हम अब आएंगे कि हम अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट दी हुई है 8 नवंबर दिया हुआ है और 6 दिसंबर। आठ नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो दिया हुआ है हुआ 6 दिसंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। आपको एग्जाम का जो मीडियम है हिंदी में रखना है तो हिंदी में रखिए, इंग्लिश में रख दीजिए, यानी हिंदी में टिक कर दिया यहाँ। अब जैसे हम यहाँ पे टिक करेंगे उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपका, उस हिसाब से अपना आपको किस स्टेट से एग्जाम देना है, उत्तर प्रदेश से। अब आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना है, गोंडा में देना है, गोंडा के बाद में उत्तर प्रदेश टिक किया। अब यहाँ पे आपको गोंडा से में आपको कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, लखनऊ में, या फिर आपको मिलेगा प्रयागराज में या वाराणसी में, और तो बाराबंकी यहाँ पर है नहीं, चलो लखनऊ का देता दो सेंटर है। पहला पेपर इसमें आपको है, दूसरा पेपर है, पहला दूसरा पेपर आपको टिक कर लेना है। तो ये दोनों पेपर हमने टिक कर दिया है। अब इनका जो फीस है वो यहाँ पर आ गया, और प्रैक्टिकल अगर आप टिक करेंगे तो प्रैक्टिकल का जाएगा जो है एग्जाम फॉर्म का जो प्रोसेसिंग फीस इन्होंने 100 रुपये लगा रखी है, तो कुल मिला करके यहाँ पे 1600 रुपये फीस बनती है। इसको टिक करना है और ये प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है, आगे ये प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अंगूठी का निशान और सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है।
अभी सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब ऑनलाइन पे करना है। आपने अगर इतना अब तक वीडियो देख रखा है तो आप क्या करें कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। इस पर एक लाइव बनता है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलती जा रही है, जो कि इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती जा रही है। यहाँ पर है ऑनलाइन पे टिक किया मैंने, पे ऑनलाइन पर क्लिक किया, क्या कुछ डिमांड वर्क नंबर करा, इनवैलिड रिक्वेस्ट पैरामीटर, गो टू होम पेज, मैं होम पेज पर वापस आ चुका हूँ। अभी हम लॉग इन है तो यहाँ पे फी पे देखो पे फी दिया हुआ है, यहाँ पे हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, ऑनलाइन पे हमने टिक किया, अब यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिल डेस्क आ चुका है। हम अब यहाँ पर बिल डेस्क की मदद से पेमेंट करेंगे फीस को। और आप लोग को बताऊं कि यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम आ चुका है, तो QR कोड पे दिया हुआ, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपली बस क्या करिए मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको इसका जो QR कोड है स्कैन कर लेना है। थोड़ा नेट सिलो चल रहा है अभी, यहाँ पर क्लिक किया दिया हुआ। आप यहाँ पे या तो UPI अपना पिन डाल दीजिए, ये तो सिंपली इसको क्या करना है स्कैन करना है। देखिए मैं यहाँ पर केवल कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से इसे सिर्फ स्कैन कर रहा है, स्कैन करूँगा कुछ और नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सब काम करता है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्कैन करके पे कर स्कैन करना है और आपको अपना UPI बस पिन लगा देना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्कैन करके ये करने वाला काम करना बहुत ही आसान है, ये आपके मोबाइल पर पूरा अच्छे से आ जाता है और आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान है, यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना है कुछ भी, जैसे यहां से पे होगा ऑटोमेटिकली अपने आप से ये देखिए अपने आप से कुछ नहीं किया मैंने, अपने आप पेमेंट एक्सेप्ट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर हाँ एक काम ये करिए, ये वाला जो डेटा है ये आप अपने पास सेव करके रखिए, क्योंकि रेफरेंस बेस की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो ये आपने सेव कर लिया। तो यहाँ पर हमने आपको यूजर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल को लॉक कैसे करना है, पेपर का जो लॉक वो कैसे करना है तो समझ गए होंगे, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है। ऑफलाइन आपको डिमांड ड्राफ्ट है ठीक है, तो अगर आपके पास इसे नहीं सुविधा आपके पास है तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कैसे करना है अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको इसका भी प्रोसेस करके
बता दो, ठीक है ना, वो भी आपको कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित है, और दौड़ भाग नहीं करना है, और इसमें उतना ही पैसा लगना है जितना ऑफलाइन में लगेगा, और उसमें आपको परेशानी ज्यादा। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म, जिनका रिजल्ट नहीं आया कि वो पास है कि फेल, उन्हें फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेट है वह अभी बढ़ेगा। नीरज ने वो कह जा रहा है, समझ लेते हैं नीरज का कहना क्या है। नीरज का कहना ये है कि रजिस्ट्रेशन डेट अलाउ विद पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर जुलाई एग्जाम साइकिल ऑफ नीलेट ओ लेवल कोर्स इज ओपन टिल 10th अप्रैल फॉर बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैंडिडेट एबीसी लेवल फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अलाउ डेट। एक तो ये दिया हुआ है, कह रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज प्रिपेयर फॉर लास्ट फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब ये आपको इसमें करना क्या है, आप लोग यहाँ पर एक और दिया हुआ है, काइंडली अटेंशन, ओ लेवल ए लेवल क्रेडिट इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट हु रिजल्ट ऑफ जुलाई 2021 यानी कि जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उनका, कह रहा है कि अवेटेड है, अभी नहीं आ पाया है। तो आपको करना क्या है, आप अपना पूरा जो एग्जाम आपका हो गया है और रिजल्ट नहीं आया उसका आप फॉर्म फिल कर, और अगर आप पास हो जाते हैं अपने पेपर में तो आपको पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। वैसे ये सही तरीका नहीं है, डुएट को रिजल्ट पहले जारी करना चाहिए तब ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहा। तो आपको बताऊं कि ये आपको टाइम देते हैं उस समय अभी भरने का, पिछली बार किया था इन्होंने, तो आप अभी थोड़ा इंतजार करें रिजल्ट आने का, और जो रिजल्ट हमारा है वो दिसंबर में आ जाएगा, 100% दिसंबर में आ जाएगा। और दिसंबर में अभी डेट भी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक लास्ट डेट है तब तक तो आप ट्राई करिए, हो सकता है उसके बिफोर में आ जाए, लेकिन शायद आने के चांस नहीं, इसीलिए डेट ने बोला है। तो आपको प्रयास करना है कि हम फॉर्म तब तक। तो आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।